टोमेटो सूप बनाने के बहुत सारे रेसिपीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन आज की जो रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ, ज़बरदस्त टोमेटो सूप बन के तैयार होगा। और इस तरीके से जब आप टोमेटो सूप बनाएंगे तो जो रोस्टेड फ्लेवर आएगा, ठंड के मौसम में इस तरीके का सूप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने करीब करीब 700 ग्राम टमाटर ले लिए हैं। इनको मैं हर तरफ से अच्छी तरीके से रोस्ट कर लूँगी, यानी छिलके अच्छी तरीके से काले हो जाने चाहिए। और आंच को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, जिससे कि टमाटर अच्छे से भी पके। और साथ ही साथ गार्लिक की फ्लेवर देने के लिए करीब 12 से 15 लहसुन ले लिया है। इनको भी मैं रोस्ट कर लूँगी। लहसुन जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, तो इनको तुरंत चूल्हे पर से निकाल के इनका छिलका निकाल कर बगल रख लें। और एक बार टमाटर ये देखिए रोस्ट हो जाए, तो फिर इनको एक एक करके निकाल लेना है। और ठंडा हो जाने के बाद इनका जो छिलका है ऊपर से निकाल कर ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरीके से इसे पीस लें, स्मूथ प्यूरी बना लें। साथ ही साथ जो रोस्ट करके गार्लिक रखा है, यानी कि लहसुन, उसे भी डाल दें। इसे और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें मैं डाल दूंगी बेसिल के कुछ पत्ते। तो यहाँ पर थोड़े ताज़े पत्ते मैं डाल रही हूँ, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बाद में सूप उबालते समय थोड़े से और डालूंगी। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून जैतून का तेल। जैतून का तेल ज़्यादा हेल्दी होता है, लेकिन ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाना चाहते हैं तो आप बटर यूज़ कर सकते हैं। उसमें डाल दिया है 1 से 2 लौंग, 1 तेज़पत्ता। और सूप का रंग निखारने के लिए आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और अब यहाँ पर टमाटर का जो ये प्यूरी है इसे डाल दूंगी। यहाँ पर टोमेटो प्यूरी को मैंने फ़िलहाल नहीं छाना है, पहले मैं इसे अच्छी तरीके से पकाऊंगी, ताकि भूनते वक्त अगर कोई कसर रह गई हो तो टमाटर अच्छे से पक जाए। पानी डाल दिया है, अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी डाल दें, अच्छी तरीके से उबाल आने दें। जो बेसिल के पत्ते थोड़े डालने थे वो डाल दिए हैं मैंने, नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसमें अच्छा उबाल आ गया है, ऊपर जो ये सफ़ेद झाग जैसा दिख रहा है ये भी गायब हो गया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया, तो कंसिस्टेंसी इसकी एडजस्ट करें और उसके हिसाब से पानी डालकर अच्छा उबाल आने तक इसे पकाना है। टोमेटो सूप के फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस लिया है। आप इसकी जगह चाहें तो 2 टीस्पून चीनी डाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने चीनी नहीं डाला है। टोमेटो सॉस में चीनी और विनेगर दोनों होता है, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा टोमेटो सूप में। तो ये देखिए यहाँ पर टोमेटो सूप में मैंने जो बेसिल के पत्ते डाले थे ये भी अच्छे से पक जाएंगे, तो अपना बहुत ही अच्छा फ्लेवर रिलीज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर डाल दिया है। वाइट पेपर पाउडर बिल्कुल काले मिर्च की तरह ही दिखते हैं, बस सफ़ेद होते हैं रंग में। और इनका जो फ्लेवर होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन ये भी काले मिर्च की तरह ही बहुत हेल्दी होते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखते हैं, छोटे छोटे दाने सफ़ेद रंग के। तो यहाँ पर ये देखिए सूप में उबाल आ गया है, ऊपर का सफ़ेद झाग भी लगभग गायब हो गया है और बहुत ही अच्छा रंग आ गया है सूप में। तो एक बार ये अच्छी तरीके से उबल जाएँ तो अब इनको मैं छान लूँगी, और पूरा जितना भी सूप है अच्छी तरीके से छान कर अलग कर लें, तो एकदम स्मूथ टेक्सचर वाला सूप बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर इसे छान लेने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी आप यहाँ डाल सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर जब आप पानी डालें तो गर्म पानी का यूज़ करें। पानी डालने के बाद ये देखिए अच्छी तरीके से छान लेने के बाद ये सूप हमारा बन के तैयार हो गया है। इसे फिर से उबलने के लिए रख दिया है मैंने। इसे पकाने के बाद इसलिए छाना जिससे कि टमाटर में अगर हल्की फुल्की कसर रह गई हो तो वो अच्छे से पक जाए, और उसके बाद छाने। और फिर साथ ही साथ बेसिल के पत्तों को भी अलग करना था, तो ये पूरा प्रोसेस छानने वाला मैंने बाद में किया है। तो जब तक ये टमाटर के सूप में उबाल आ रहा है, तब तक मैंने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है। उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसकी स्लरी बना लेनी है, और एक बार टमाटर के सूप में उबाल आ जाए तो थोड़ा थोड़ा करके स्लरी को डालना है, अच्छे से मिक्स कर लें। तो इसमें जो कंसिस्टेंसी आएगी, जो सूप का जो टेक्सचर होता है रेस्टोरेंट्स में, बिल्कुल उसी तरीके से टेक्सचर आएगा सूप में, और पीने में भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा ये सूप। तो एकदम रेस्टोरेंट वाला फील भी आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये सूप बन के तैयार होता है। ये देखिए सूप बन गया है, तो अब इसे गर्मा गर्म मैं सूप बोल में परोस लूँगी, और ये पीने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे आप चाहें तो ऐसे ही परोसे, या तो फिर ब्रेड के क्रूटॉन्स बनाकर भी आप सर्व कर सकते हैं। तो आप टमाटर के इस सूप को ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।